नमस्कार, मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम आए हैं पुणे के पतालेश्वर मंदिर, लेकिन उसके पहले हम जा रहे हैं सद्गुरु श्री जंगली महाराज जी के मंदिर में, क्योंकि उसी से जस्ट पहले यह मंदिर है और यही मंदिर में उनका समाधि स्थल भी है। तो सबसे पहले यहीं हम जा रहे हैं और यहाँ पे शू रैक है, यहाँ पर जूते से लोग रख कर फिर मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। यह सद्गुरु जंगली महाराज जी का समाधि स्थल है और यही मंदिर भी है और इन्हीं के नाम से ये सड़क भी है। और ये देखिए, बाहर से बहुत सुंदर ये समाधि स्थल है सद्गुरु जंगली महाराज जी का, और यहीं से अंदर से भी एक रास्ता पतालेश्वर महादेव मंदिर में जाता है और एक इसके जस्ट बगल से बाहर से भी रास्ता आता है। और ये देखिए, ऊपर से पूरा मंदिर पीछे दिख रहा है और आगे जो गोलाई में है वो नंदेश्वर मंडप है, नंदी जी का मंडप जिसमें नंदी महाराज जी हैं। और ये देखिए, जंगली महाराज के समाधि स्थल से पतालेश्वर मंदिर के लिए एक सीढ़ी बनी हुई है और दोनों कनेक्ट हो रही है इसी सीढ़ी से। और अब हम पतालेश्वर मंदिर में प्रवेश कर गए हैं और ये देखिए दूसरा रास्ता उधर से आता है। और ये बोर्ड है जो बताता है कि यह एक सर्वे ऑफ इंडिया और भारत सरकार का मॉन्यूमेंट है, और इसका अगर कोई गलत इस्तेमाल करता है, इसको कोई नुकसान पहुंचाता है तो उसको कुछ पैसे का दंड भी है और 3 महीने का जेल भी है। ये देखिए, हम अंदर मंदिर में प्रवेश कर गए हैं और यहाँ शिव भगवान जी का मंदिर है यहाँ। और ये देखिए, पूरा जितना मंदिर है यहाँ पर पार्वती जी हैं, और एक पार्वती माता का मंदिर है और ये शिव भगवान का है। और इसी के बगल में गणपति जी का मंदिर है और यहाँ राम लक्ष्मण सीता माता का एक मूर्ति भी लगा हुआ है। और इस मंदिर के बारे में बोला जाता है कि एक ही पत्थर से काट कर इस पूरे मंदिर को बनाया गया है और ये शिव भगवान के जस्ट पीछे का है हिस्सा। और ये देखिए कितना अंधेरा है, बीच बीच में इसमें लाइट की व्यवस्था की गई है जिसके कारण ये दिखलाई पड़ता है। और इसका लोग चारों तरफ से परिक्रमा भी करते हैं, जो काट काट कर पत्थर को इस तरह से मंदिर बनाया गया है और हम भी परिक्रमा कर लिए हैं। अब एक बाहर में नंदी भगवान है, एक नंदी महाराज अंदर में शिव जी के सामने हैं छोटे से, और ये नंदी मंडप में एक बड़े से नंदेश्वर महाराज जी हैं। और ये चारों तरफ से बहुत खूबसूरत पेड़ पौधे लगे हुए हैं, यहाँ पर चारों तरफ से हरियाली और व्यू बहुत ही सुंदर यहाँ का है। लोग यहाँ घंटों आकर बैठते हैं और मन को बहुत शांति मिलती है। सद्गुरु श्री जंगली महाराज जी का मंदिर के बगल से भी एक मेन रोड से ही रास्ता है
और यहाँ आकर बहुत ही शांति और सुकून का अनुभव होता है। और सोमवार के दिन यहाँ पर लोग अधिक आते हैं, भगवान शिव जी का दिन है और संक्रांति के समय भी लोग आते हैं। और कुछ लोग वहाँ पर बच्चियाँ थीं जो मुझे मिल गई, और बहुत ही ये झुका हुआ पेड़ एक हमको दिख गया, बहुत ही सुंदर लग रहा था। और वहाँ से व्यू बहुत सुंदर मंदिर का आ रहा था। और ये देखिए जगह जगह शिव जी का और गणपति जी का, हर जगह ये गणपति जी का अलग से भी एक मंदिर है, और ये राम लक्ष्मण और माता सीता का मूर्ति भी लगा हुआ है। और ये पूरी गुफा का दृश्य है, लोग जगह जगह बैठकर यहाँ पर ध्यान और पूजा अर्चना करते हैं। ये एक बाहर में पीपल का भी पेड़ लगा हुआ है जहाँ लोग ध्वजा लगाते हैं, और जो भी मन्नत होती है वो लोग यहाँ मांगते हैं, और कहा जाता है कि वो मन्नतें उनकी भगवान शिव पूरी करते हैं। और आप लोग भी पूना आए तो एक बार इस पतालेश्वर मंदिर में ज़रूर आए। धन्यवाद।